हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर हमें पूजा करते समय किस आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कहीं आप भी तो नहीं उन आसनों का प्रयोग करते हैं जो आपके दुर्भाग्य, रोग और दुख का कारण है। लकड़ी, कपड़ा या बिना आसन के पृथ्वी पर बैठकर पूजा करने से क्या होता है? किस आसन पर बैठकर पूजा करने का शुभ फल मिलता है? साथ ही जानेंगे पूजा के बाद आसन यूं ही छोड़कर उठने से क्या पाप लगता है। देखिए, धार्मिक कार्यों में पूजन या जप के दौरान आसन का प्रयोग सदियों से चला आ रहा है। पूजा पाठ घर में हो या किसी देव मंदिर में, बैठकर पूजा करने के लिए हम आसन का उपयोग करते हैं। शास्त्रों में हर प्रकार की मनोकामना के लिए अलग अलग आसन बताए गए हैं, लेकिन नित्य पूजा करते समय कैसा आसन होना चाहिए ये बात आज भी शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार की गई वैदिक पूजा को ही सर्वश्रेष्ठ पूजा कहा गया है। यदि पूर्ण श्रद्धा एवं विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाए तो निश्चित रूप से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि साधक को किसी कार्य को पूर्ण करने में अड़चने आ रही हों या किसी कारणवश वह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा हो या किसी साधना को बराबर करने पर भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि पूजा करने के लिए आप कौन सा आसन उपयोग कर रहे हैं। अगर अपनी पूजा का पूरा फल चाहते हैं तो शास्त्रों द्वारा बताए गए ही आसनों का प्रयोग करें। अब ये जान लेते हैं कि आखिर कौन से आसन हैं जिन्हें हमें नहीं लगाना चाहिए, जिन पर हमें बैठकर पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मंत्र जाप करते समय हमेशा आसन बिछाना चाहिए। बिना आसन भूमि पर बैठकर मंत्र जाप करने से दुख की प्राप्ति होती है। वही बांस के आसन पर बैठकर मंत्र जाप या देव पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता आती है। पत्थर के आसन पर बैठकर पूजा या मंत्र करने से आपको रोग होता है। साथ ही लकड़ी के आसन पर बैठकर पूजा करने से दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। घास के आसन पर बैठकर पूजा करने से यश और कीर्ति नष्ट हो जाती है। तिनको के आसन पर बैठकर पूजा करने से कारोबार में अथवा नौकरी में स्थायित्व नहीं आता और आर्थिक उन्नति भी नहीं होती है और हानि होने लगती है। पत्तों से निर्मित आसन पर भी बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को कुछ भी मिल जाता है वो बैठ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लकड़ी के आसन पर बैठने से दुख और अशांति ही प्राप्त होती है। कपड़े के आसन या किसी कपड़े को आसन बनाकर बैठने से चिंता और बाधाएं आती हैं। बिना आसन पर बैठकर पूजा करना यानी खाली भूमि पर बैठकर पूजा पाठ जप करने से दरिद्रता आती है। एक खास बात यह है कि जब भी पूजा करते हैं या कोई जाप करते हैं तो भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है और इस सकारात्मक ऊर्जा का संबंध बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए आसन का महत्व बहुत अधिक होता है। एक बात और ध्यान से सुन लेना, ब्रह्मांड पुराण में आसनों का विशेष उल्लेख विस्तार पूर्वक मिलता है। जिस आसन पर कोई साधक साधना कर चुका है, साधना के लिए पुनः उसी आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए जो सुन रहे हैं वो ध्यान रखें, दूसरे के आसन का प्रयोग करने से दोष होता है। इसलिए साधना के लिए साधक को सदैव नवीन आसन पर ही बैठकर पूजा पाठ करनी चाहिए। जहां आध्यात्मिक कारण ये हैं तो वहीं इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। धरती की चुंबकीय शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जब कोई साधक ध्यानमग्न होकर विशेष मंत्र का जाप करता है तो उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर आसन बिछाया जाए तो ये ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से धरती में समाहित हो जाती है और इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए पूजा के दौरान आसन बिछाना जरूरी माना गया है, लेकिन आसन ऐसा होना चाहिए जो ऊर्जा का उचालक हो। शास्त्रों के अनुसार किस आसन पर बैठकर पूजा करने को बताया गया है? कुसा का आसन। जो व्यक्ति कुसा के आसन पर बैठकर मंत्र जप पूजा करते हैं उन्हें शुचिता, स्वास्थ्य, तन्मयता और स्वास्थ्य में सदैव वृद्धि होती है। उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। कार्य सिद्धि की पूर्ण लालसा के लिए किए जाने वाले जप कंबल के आसन में बैठकर करना सर्वोच्च लाभदायक होता है। अगर कोई भी व्यक्ति मोक्ष या लक्ष्मी की कामना करने के लिए जाप करता है तो उसे बाघ की खाल या कृष्ण मृग चर्म पर बैठकर मंत्र जाप करना चाहिए। चर्म आसन से अच्छा आसन कंबल बताया गया है। कलिकाल में सबसे शुद्ध और पवित्र आसन कुश माना गया है। कुश आसन पर बैठकर मंत्र जप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कुश और कंबल आसन दूसरों की गुण दोष स्वीकार नहीं करते, इसलिए इन्हें सबसे अच्छा आसन माना गया है।
अगर आप नियमित पूजा के लिए आसन का प्रयोग करना चाहते हैं, अगर आप सुख शांति, ज्ञान प्राप्ति, विद्या प्राप्ति और ध्यान साधना के लिए आसन का उपयोग करना चाहते हैं, तो पीला आसन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। वहीं अगर आप शक्ति प्राप्ति, ऊर्जा, बल बढ़ाने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं, तो लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में कुश आसन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे में सामान्य पूजा के लिए कम्बल आसन सर्वोत्तम। अब जान लेते हैं कि अगर पूजा के बाद हम आसन यूं ही छोड़कर चले जाते हैं तो क्या होता है। पूजा के बाद आसन को यूं ही छोड़कर उठना भी गलत माना गया है। उठने से पहले धरती पर 2 बूंद जल डालें, इसके बाद धरती को प्रणाम करें या फिर जल को मस्तक से लगाएं, इसके बाद आसन को उठाकर यथास्थान रख दें। ऐसा करने से आपको अपनी साधना का पूर्ण फल मिलेगा। यही एक और मान्यता है कि यदि आप पूजा करके आसन यूं ही छोड़कर चले जाते हैं तो आपने जितनी पूजा साधना की है, जो भी मनोकामना की है, वो आपके राजा बलि ले लेते हैं। इसलिए जब भी आप पूजा करके उठें तो अपने आसन पे पानी छिड़क कर उठें और उसको प्रणाम करके ही उठें, ताकि आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।